जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से एक बात को दोहराया है कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेना है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ तारिक हमीद करा ने यह प्रतिबद्धता यहां दोहराते हुए कांग्रेस के इरादे जाहिर कर दिए। राजौरी में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक जनसभा में भाग लेने के बाद तारिक हमीद करा ने संपूर्ण राज्य के दर्जे का हवाला देते हुए यह भी कहा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये दर्जा देने से पहले केंद्र सरकार कुछ सरकारी महकमों का नियंत्रण अपने पास रखने वाली है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह ने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब में केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के हालात बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। अगर हमारे वास्ते कोई चीज अब बाकी रही है हासिल करने के लिए तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। हमारा स्टैंड रियलिस्टिक स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमने हमारी जो कंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। मैंने जो बातें कही उसकी बुनियाद दिल्ली से ही शुरू होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक मरकजी सरकार सोच रही है। अब कौन उसमें है जो सोच रहे हैं, लेकिन वो मरकजी सरकार के बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दें भी, वो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल सूरत में ना दिया जाए, जिसके तहत कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स जो हैं, अब मैं उन डिपार्टमेंट्स का खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ वाइटल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी हुकूमत की, जो इख्तियारात का मंबा होती है, उन वाइटल डिपार्टमेंट्स को मरकजी सरकार सोच रही है, जैसा कि हमने सुना है कि वो एमेंडेड फॉर्म में, यानी वो वाले महकमे वो बराह रास्त अपने पास रखना चाहेंगे। तो हमारी यहां से हमने जो बात कही, हमें वैसा स्टेटहुड, कांग्रेस पार्टी को वैसा स्टेटहुड मंजूर नहीं है। ये हालात इन्होंने खुद खराब होने दिए। आपको पता होना चाहिए हमारी हाई रिचेज पे, खास करके हाई रिचेज पे सारे CRPF और आर्मी लगी हुई थी। जैसे बनी का एरिया है, भाई मलार का एरिया है, आपका एरिया भी है, और सारी की सारी इन्होंने उसको नीचे कर दिया। और आप सोचिए BSF कहाँ के लिए होती है? बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर से उठाई तो कहाँ भेजी? इलेक्शन में बॉर्डर खाली क्यों छोड़ा? आप क्या सोचते हैं बॉर्डर भरा था? अगर बॉर्डर की पुलिस इनके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है तो फिर वो बॉर्डर पे, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स है ना फिर, तो अगर ज़्यादा तो ये हालात कैसे हुए? लोग क्रॉस कैसे, टनलें निकल गई, टनलें आपने देखा कितनी टनल्स निकल गई, कितनी तबाही हो, कितने आपके ड्रोन यहाँ क्रॉस हो गए, और ड्रोन ने नशा, पैसा, सारी चीजें इन्होंने सारी पहुंचा दी हैं। इसलिए देखो, इस सरकार को बदलोगे नहीं तो बचोगे भी नहीं। वो कहते हैं, वो उल्टी बात कहते, वो भी कहते हैं बचो, कटो पटो, बकवास, सब गलत। हमें सबको लड़ना है।